हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं एंड आप लोगों का मैं एक एक करके, आप बी ए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड सेमेस्टर का सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यूनिट नंबर वन सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर सेकंड यूनिट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसमें हमने आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बी ए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड यूनिट नंबर वन के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए, कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। तो देखो, राजनीति विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र को लेकर के विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। कुछ इसे कला कहते हैं तो कुछ इसको क्या कहते हैं, विज्ञान। तो कुछ विज्ञान और कला दोनों मानते हैं, कुछ तो इसे कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला मानते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं इसको लेकर के। इसी प्रकार क्षेत्र के विषय में भी प्राचीन और आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें काफ़ी टक्कर देखने को मिलता है। यहाँ हम विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के स्वरूप और प्रकृति पर ही चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु तक ने इसे पूर्ण विज्ञान माना हुआ है, किंतु मेटलैंड और बकल जैसे विचारक ने तो इसे शीर्षक के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द रखना भी पसंद नहीं करते हैं, कि मतलब इसके शीर्षक को भी राजनीति विज्ञान कह दिया जाए। और कलाओं में भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो इस तरह के मतलब कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। प्रथम पक्ष जो कह रहा है कि ये वैज्ञानिक है, जो राजनीति विज्ञान है वो एक वैज्ञानिक जो है सब्जेक्ट है, तो उसके जो है विरुद्ध में, वैज्ञानिकता के विरुद्ध में कुछ तर्क दिया गया है। मतलब कि जो लोग वैज्ञानिकता नहीं मानते हैं कि राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है, उसके विरुद्ध में तर्क दिया गया है कि वैज्ञानिकता के विरुद्ध में। इसमें नाम आता है आपका वकल का, कामटे का, जो है मेटलैंड का, जो ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति को विज्ञान तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार जो है विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु का हम क्रमबद्ध और सुनिश्चित अध्ययन कर सकते हैं, कार्य व कारण में सदैव संबंध स्थापित किया जा सकता है और जिसके निष्कर्ष और निश्चित व शाश्वत होते हैं। शायद विज्ञान की इसी जो व्याख्या है वह परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। और कामटे के शब्दों में अगर बात किया जाए तो राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ जो है उसकी अध्ययन जो विधियां हैं, सिद्धांत हैं, निष्कर्ष हैं, उसके संबंध में एकमत नहीं है। मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं इस विषय के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है कि कैसे इसको राजनीति विज्ञान कह देते हैं। तो इसको इस चीज के पक्ष में कि हाँ ये वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें विद्वानों ने क्या तर्क दिया हुआ है, तो उसमें पहला तर्क दिया गया है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। जैसे विज्ञान होता है उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, सभी लोग उसको मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सर्वमान्यता का अभाव है। दूसरी चीज़ है आपका कार्य और कारण के बीच जो संबंध है, वो जो कनेक्शन है, उसका अभाव देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है आपका प्रवेक्षण और परीक्षण का अभाव देखने को मिलता है। चौथी चीज़ है मानव सभ्यता की परिवर्तनशीलता के कारण अचूक का अभाव इसमें देखने को मिलता है। पांचवी चीज जो वैज्ञानिक, मतलब जो अगर इसको मतलब कह रहा है कि वैज्ञानिकता के विरुद्ध में तथ्य दिया जा रहा है कि यह वैज्ञानिक सब्जेक्ट नहीं है, तो भविष्यवाणी का अभाव है। जैसे विज्ञान होता है कुछ चीज़ की भविष्यवाणी कर सकता है, कैसे कल मौसम कैसा होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, तो भौतिक विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञान जैसे मौसम विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। नेक्स्ट चीज़ परिभाषा, शब्दावली, अध्ययन पद्धतियाँ, अध्ययन विषय, इन सभी के जो मत हैं उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए वकल महोदय ने कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मेटलैंड ने भी व्यंग्यात्मक भाषा में राजनीति विज्ञान शीर्षक के प्रति खेद, रिग्रेट व्यक्त किया हुआ है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान को, विज्ञान जो लोग मानते हैं, जो विद्वान राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं, जो है विज्ञान मानते हैं, उन्होंने क्या पक्ष दिया है, उन्होंने क्या चीज़ रखा, वो उसको बताइए। वो कह रहा है कि प्रथम पक्ष के ठीक विपरीत दूसरा पक्ष भी है जो राजनीति विज्ञान को एक वास्तविक विज्ञान मानता है और इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने का प्रयास भी करता है कि इससे सिद्ध हो जाए कि हाँ ये वैज्ञानिक ही है। यह पक्ष जो है वकल, मेटलैंड और अन्य विद्वानों के दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण व संकुचित मानते हैं।
मानते हुए राजनीति विज्ञान को और विज्ञान ही मानते हैं। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की व्याख्या व परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की महान भूल है। सर्वमान्य तथ्यों और कार्यकारण संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान जो है विषय को ही विज्ञान समझा जाए, इस प्रकार दृष्टिकोण उचित नहीं है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके विज्ञान होने के पक्ष में कई सारे तर्क दिए गए हैं। जैसे कि पहला तर्क दिया गया है कि जो पर्यवेक्षण और परीक्षण है ये इसमें भी संभव है, कि जैसे कि आपने देखा कि किसी राज्य में, किसी नगर में या किसी शहर में या किसी देश में एक व्यवस्था चल रही है, तो उसमें आपने देखा कि उस व्यवस्था जो लागू किया गया, उस व्यवस्था के चलने में मतलब वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको देख करके फिर आपने अपने यहाँ लागू किया। या फिर कोई एक रूल लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं क्या ये रूल जनता के लिए बेहतर है या नहीं है। तो इस तरीके से पर्यवेक्षण और परीक्षण भी इसमें संभव है। दूसरा, राजनीति शास्त्र एक क्रमबद्ध विज्ञान है, मतलब कि एक सीक्वेंस में चलने वाला विज्ञान है। सामान्य निष्कर्षों सिद्धांतों का पाया जाना इसमें है। इसमें कह रहे हैं भविष्यवाणी भी संभव है, क्योंकि आपने देखा किसी जगह पर कोई चीज़ इस तरीके से काम कर रही है, एक रूल लाया गया जो समाज में इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी उसी तरीके से मिलता जुलता काम करेगा, तो एक तरीके की भविष्यवाणी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ है कार्यकारण संबंध भी स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पक्ष दिए गए कि राजनीति विज्ञान जो है क्या है, विज्ञान है। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष में जो है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, इसको स्थापित करना है। तो देखो, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में बात किया जाए तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, सब सामाजिक विज्ञानों का मूल है। जितने भी सामाजिक विज्ञान है होते हैं उन सभी का मूल है समाजशास्त्र। वह सामाजिक समुदायों, सामाजिक जीवन के नियम सिद्धांत सभी का शास्त्र है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंश मात्र है और वह सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलू के संबंध में है। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से काफी निकट हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में हर एक चीज आती है, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, इतिहास हो, वो सब कुछ समाज के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक शास्त्र का ये क्या है, राजनीति शास्त्र एक छोटा सा पहलू है। अब इन दोनों की घनिष्ठता के बारे में बात किया जाए तो समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का जन्मदाता है, क्योंकि जो राजनीति बनाई जाती है वो समाज के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। उसके अंतर्गत समाज के संगठन, स्वरूप, संस्कृति आदि विभिन्न पहलू होते हैं, और इन पहलुओं में जो शास्त्र राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। और इस दृष्टि से राजनीति शास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का एक पार्ट है, एक अंग है। राज्य जिससे राजनीति शास्त्र जो है संबंधित है वो समाज का ही एक रूप है। इसी तरीके से हम राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है, कि क्योंकि जब आप समाज के बारे में जानोगे तो उस समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे रूल्स होने चाहिए, कैसे राज्य को अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, वो समाज के द्वारा डिफाइन होता है। तो अगर आपको राजनीति शास्त्र का उचित अध्ययन करना है तो उसके लिए समाजशास्त्र का अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है। उसके बिना राजनीति का ज्ञान अधूरा माना जाएगा। इन दोनों शास्त्रों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इस तथ्य को जो है निर्वारण करना कठिन हो जाता है कि कौन सा लेखक समाजशास्त्री है और कौन राजनीतिक दार्शनिक है। जैसे कि कैटलिन का मत है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में वे एक तस्वीर के ही दो पहलू हैं। गिडिंग्स ने यहां तक लिख दिया है कि समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य का विज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसे न्यूटन के गति के नियम से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या या ऊष्मा गति के संबंध में ज्ञान देना हो जाए। तो इस तरीके से मतलब उसकी घनिष्ठता के बारे में बात किया है। संक्षेप में जो है जो रेडजन हाइबर हैं उनके शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्य एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन है। अपने प्रारंभिक रूप में या राजनीति संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था थी और राजनीतिक तथ्यों के आधार पर सामाजिक तथ्य हैं। यदि राज्य विज्ञान समाजशास्त्र अलग है तो उसका कारण यही है कि उसके विस्तृत क्षेत्र के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है कि विभाजन कर दिया जाए जिससे कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। और यह विभाजन समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में एक जो है विभाजक रेखा का कारण नहीं है, बल्कि मतलब एक तरीके से उसको समझा जाए अच्छे तरीके से, इसलिए इसको रखा गया है। गार्नर का इस पर क्या मत है, वो जो है पूर्णता उचित कहते हैं। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्री होना चाहिए, जो राजनीति का वैज्ञानिक है उसको समाजशास्त्री होना चाहिए और समाजशास्त्री को राजनीतिक वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके का कनेक्शन हो। अब इसमें कुछ डिफरेंसेज भी होते हैं क्योंकि चीज़ें अगर उसको अलग किया गया है तो कुछ ना कुछ बेस जरूर रखा होगा। अगर टोटल 100% सेम टू सेम रहता तो एक ही सब्जेक्ट रहता, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेज भी देखने को मिलती हैं। अब आइए उसके बारे में समझते हैं। तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में इतनी घनिष्ठता होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं। एक दूसरे से जो है संबंधित होने पर भी ये विषय क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। यहां हम इनके कुछ अंतरों के बारे में समझते हैं। जैसे कि पहली चीज है कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो राजनीति शास्त्र की अपेक्षा काफी व्यापक है, क्योंकि राजनीति शास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का एक छोटा सा पार्ट है।
समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी इस अर्थ में है कि इसका क्लेवर जो है वो अत्यंत विशाल है। दूसरी ओर राजनीति शास्त्र का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है। समाजशास्त्र जो है राज्य, परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, शिक्षालय सभी से संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध केवल किससे है? राज्य से है। समाजशास्त्र में कानून, प्रथा, आचार, धर्म, संस्कृति सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में केवल कानून पर आधारित राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई मानव और समाज है, जबकि राजनीति शास्त्र के अध्ययन की इकाई मानव का वो संगठन है जिसे हम राज्य कहते हैं। गेडल का मत है कि समाजशास्त्र एक समन्वय समाज विज्ञान है, वो पूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस के बारे में बात किया जाए, अगला भी डिफरेंस तीसरा, तो समाजशास्त्र मानव और समाज के जो है ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री ये जानने की कोशिश करता है कि मानव किस प्रकार और किस अवस्था से होकर के सामाजिक प्राणी बना है, जबकि राजनीति शास्त्र ऐतिहासिक विकास से संबंधित नहीं रखता है और यह मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ही। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है कि समाजशास्त्र ये बताता है कि क्या हुआ है और किस प्रकार हुआ है, उसकी अध्ययन जो विधि ऐतिहासिक है। दूसरी ओर राजनीति शास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए, इसकी अध्ययन जो विधि है वो एक तरीके का दार्शनिक है। समाजशास्त्र केवल यही बताता है कि समाज का रूप क्या है, वह इस ओर संकेत नहीं करता कि समाज का रूप कैसा होना चाहिए। दूसरी ओर राजनीति शास्त्र ये बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के लोग कैसे होने चाहिए, सिविलियंस के जो है रूल्स कैसे होने चाहिए, तो मतलब एक तरीके का आदर्शवादी है। तो इस तरीके का ये जो है इतना डिफरेंस पाया जाता है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। ओके, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति के जो राजनीति विज्ञान है उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करो कि इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो सामान्यता किसी विषय के क्षेत्र से आशय उस विषय की विषय सामग्री से होता है, अर्थात उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन निम्न दृष्टिकोण से किया जा सकता है। जैसे कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अगर हम परंपरागत दृष्टि से समझें, जो एक ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है उसके हिसाब से समझें, तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संबंध विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं। प्रोफेसर बिलोवी ने राजनीति विज्ञान को राज्य वसरकर और ब्लांटसली ने राज्य की भूत, वर्तमान, भविष्य और यूनेस्को ने उसे सभी जो है राजनीतिक सिद्धांतों, संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन माना है। तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि राज्य की प्रकृति का अध्ययन, यानी कि प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राज्य जो है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का आरंभ और अंत दोनों ही है, यानी कि राज्य से ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की शुरुआत भी होती है और अंत भी राज्य पर ही होता है। वास्तव में राज्य इस विषय का क्या है? सेंटर पॉइंट है। यह अनिवार्य और प्राकृतिक संस्था है, इसके बिना एक व्यक्ति सभ्य और आदर्श जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी विचारकों ने सद जीवन के लिए राज्य को काफी आवश्यक माना है। उनके अनुसार राज्य शक्ति और समाज के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सबसे सर्वोत्तम संस्था है। तो पहली चीज ये है इस आधार पर। दूसरी चीज है राज्य के अतीत का अध्ययन, यानी कि जब हम राज्य की भूतकालीन अवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम उसके ऐतिहासिक अवस्था का अध्ययन करते हैं, तो हम उसके ऐतिहासिक रूप की विवेचना करते हैं। इसके अंतर्गत राज्य के उद्भव, उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, विकास और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज होगी। राज्य के वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो राज्य का वर्तमान स्वरूप राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। यूनान के नगर राज्य के लघु स्वरूप से प्रारंभ होकर के जो है ये राज्य आज राष्ट्र राज्य की स्थिति की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट चीज है राज्य के भावी और आदर्शवादी स्वरूप का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान जो है आदर्शात्मक सब्जेक्ट है, अतः इसके अध्ययन का एक प्रमुख विषय राज्य की भावी स्वरूप का निर्धारण करना होता है कि कैसे राज्य को हम आगे देख रहे हैं। वर्तमान और भविष्य का इसमें घनिष्ठ संबंध होता है, वर्तमान में ही भविष्य छिपा होता है कि ऐसे जैसे आज हम कानून या जो भी चीजें हम लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, आने वाला हमारा समाज भी उसी तरीके से होने वाला है। नेक्स्ट चीज है शासन और सरकार का अध्ययन। शासन या सरकार जो है एक आवश्यक तत्व हो जाते हैं एक राज्य के लिए। शासन के माध्यम से ही राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करता है और शासन जो है वो राज्य का मूर्त स्वरूप है, अतः शासन के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन क्या है? अपूर्ण है। नेक्स्ट इसकी जो है वो है संविधान का अध्ययन। इसके अंतर्गत किया जाता है विषय क्षेत्र में। संविधान लिखित और अलिखित नियमों का वो समूह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का क्या होता है? संचालन होता है।
तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी कि राज्य की विषय क्षेत्र के बारे में, तो उसको समझने के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं कि राज्य की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करते हैं, आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, शासन कैसा होगा, संविधान कैसा है, कैसा था, तो इन चीजों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व को बताइए कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने से क्या समझ में आता है या इसको पढ़ना क्यों चाहिए या इसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो अरस्तु जो है वो मानव जीवन को एक नैतिक और सभ्य बनाने के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आवश्यक समझते हैं कि अगर आपको जो है अपने जीवन को नैतिक और सभ्य बनाना है तो राजनीति विज्ञान समझना ही होगा। मनुष्य के जीवन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की तमाम सारी उपयोगिताएं हैं, जैसे कि पहला है आपका कि मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति जो है मानवीय अधिकारों व ज्ञान की प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर समाज और राज्य की उन्नति में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट चीज़ है आपका राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधार पर अपने देश का हम प्राचीन गौरव, प्राचीन असफलताओं, इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय राजनीति का विद्यार्थी अपने देश के राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करने के उपरांत यह निश्चित कर सकता है कि हमारे जो आज़ादी है वो कितने बलिदानों के परिणाम स्वरूप आई, इसीलिए हमें इसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समाज में आ सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका राज्य और सरकार का ज्ञान हो सके, इसके लिए भी अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के संगठन, इनके गुण दोष, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सरकार के विभिन्न रूपों में हमारे देश के लिए कौन सा रूप सबसे अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ का अध्ययन करना। सरकार के कार्यों का जो है मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए, सरकार की कमियों को दूर करने का उपाय क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान हो सके। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम प्रशासन को कुशल, जनहितकारी बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण जो है इसी विषय के अंतर्गत चीज़ों को सिखाते हैं और बताते हैं। राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीति विज्ञान जो है ये नागरिकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करता है कि किस तरीके से राजनीति के प्रति जागरूक हो सकें। राजनीतिक चेतना के अभाव में नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन उचित रूप से नहीं कर पाते हैं और नेता और प्रशासन पथ जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उपर्युक्त इन सभी जो विवेचनाएं हो रही हैं इनसे स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज यह संभव नहीं है कि व्यक्ति राजनीति विज्ञान की उपेक्षा बरत सके। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना करूँ, कि राजनीति विज्ञान का जो इस समय का दृष्टिकोण है वो क्या है। तो देखो आधुनिक समय में कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को राज्य तक ही सीमित नहीं रखा है। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया है। इनके अनुसार जो है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार और अन्य संबंधित जो संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है। और इस दृष्टिकोण के विचारकों में कॉलिन लासबेल, मार्गेंथी, हडल, डेविड आदि हैं। ये सभी व्यवहारवादी विचारक हैं जिनके विचारानुसार राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में करता है। डॉक्टर इकबाल नारायण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे विज्ञान के रूप में कर सकते हैं जो मनुष्य के कार्यकलापों जो है क्रियाकलाप है उनका अध्ययन करता है, जिसका संबंध उनके राजनीतिक पहलू से होता है, तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक इन सभी पहलुओं को पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए हट्टन कहते हैं कि शक्ति, शासन और अधिकार ये राजनीति विज्ञान है। नागपाल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का, शासन का, मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का क्या है, विज्ञान है। तो आधुनिक दृष्टिकोण को राजनीतिक विज्ञान की सभी परिभाषाओं का यह स्तर है कि जो राजनीति विज्ञान है ये समाज विज्ञान का एक अंग है जिसके अंतर्गत राज्य और शासन के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य का राजनीतिक, उसका आर्थिक, सामाजिक कार्यकलापों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस डिस्कस किया। आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस अब इसके आगे, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो का ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।